तो इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर के बाद पश्चिम बंगाल का रिजल्ट क्या है, पश्चिम बंगाल में सीट शेयर क्या है, पश्चिम बंगाल का वोट परसेंटेज क्या है, हम आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल में कि असम में बीजेपी प्लस का जो वोट शेयर है, वोट परसेंटेज है, वो कम है, लेकिन कांग्रेस प्लस का जो वोट परसेंटेज है वो ज्यादा है। क्या ये सीट में कन्वर्ट होगा या फिर नहीं, एक बार फिर से प्रदीप भंडारी के पास में चलते हैं। प्रदीप भंडारी, आर यू रेडी? तैयार हैं आप? बिल्कुल, आपका पिटारा खुलने वाला है, बिल्कुल बहुत कुछ निकलने वाला है। मेरे राइट हैंड में एक्सप्लेनेशन है, राज मेरे है। लेफ्ट हैंड के अंदर सब कुछ, कोई हर सीट के डिटेल्स हैं, और यहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ में कनेक्टेड हूँ, वॉकी टॉकी से अलग मैं अपनी टीम के साथ कनेक्टेड हूँ, तो बिल्कुल रेडी है। तो अभी तक ये आप देखिए कि पिछली बार मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे साथ पूरे एक्सक्लूसिव पैनल भी जुड़ रहा है, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहा है, हमारे साथ विनय सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राहुल लाल प्रेम कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जो है वो भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ चुके हैं विनय सिंह। तो इस वक्त अगर आप देखें विनय सिंह, अगर कांग्रेस पार्टी और AIUDF साथ में आ रही है, उनका वोट शेयर NDA से ज्यादा है, आपको नहीं लग रहा ये स्वाभाविक है? क्योंकि ये कई लोअर असम की सीट्स के अंदर भारी मार्जिन से जीत हो सकती है, उसके कारण वोट शेयर बढ़े। विनय सिंह, वोट शेयर कांग्रेस अलायंस का ज्यादा है? फिर हम कांग्रेस प्रवक्ता पर आएंगे और फिर हम लोग सीट अनाउंस करेंगे। विनय सिंह, क्विक कॉमेंट। देखिए, इसमें ये तो बात तय है कि कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता इसका कारण नहीं है, इस वोट शेयर के बढ़ने का। उसमें जो अलायंसेस हैं वो निश्चित रूप से है कि AIUDF का वोट शेयर बढ़ता है तो लोअर असम का एक उनका बढ़िया पकड़ है, तो वो वोट परसेंटेज तो उसी की देन है। अब कितना ये सीट्स में ट्रांसफॉर्म होता है, और एक बात मैं और बताता हूँ कि बार बार जो साथी कह रहे हैं कि NRC को लेकर के जो वहां पे एक रिजेंटमेंट था, तो मैं ये बात आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो एक जो विश्वास जगह है वहां की जनता में, जो पूरे असम की जनता में, उसका लाभ होने वाला है इस चुनाव में बीजेपी का। बिल्कुल विनय सिंह, बिल्कुल। और अगर सिर्फ NRC और CA मुद्दा होता है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हम ले लेते हैं, उसके हम लोग नंबर्स याद करेंगे, तो फिर आपके AJP और राइजर दल को काफी ज्यादा वोट मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है, तो साथ में बाकी इश्यूज भी डोमिनेट कर रहे हैं। मैं सर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जी जुड़ रहे हैं। अभिजीत जी, NDA कांग्रेस अलायंस का वोट शेयर ज्यादा है क्या, सिर्फ और सिर्फ अजरुद्दीन अजमल के साथ लोअर असम में फायदे के कारण हो रहा है? आपको लग रहा है इससे आप असम जीत पाएंगे? क्विक रिएक्शन। ऐसा नहीं है, कांग्रेस इस साल अच्छा काम किया और एक काम का फल है, और आम जनता चुनाव का पहले ही डिसीजन ले लिया जो इस बार कांग्रेस महाजोट गवर्नमेंट आएगा और बीजेपी उनका जो एजेंडा है एजेंडा का बाहर है। बीजेपी 5 साल में कोई काम नहीं कर पाया, बीजेपी का एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम मुद्दा, दूसरा कोई मुद्दा आपने नहीं भी था। तो 15 साल में इतना ज्यादा काम किया, उसका फल हमारा जो असम का जो जनता है वो चुनाव का मैदान में आके देगा, और हमारा हिसाब से कांग्रेस 100+ सीट मिलेगा, 100 से ज्यादा सीटों की आप बात कर रहे हैं। पर सर, आपने भी AIUDF के साथ तो अलायंस सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी और मुस्लिम वोट के लिए ही किया है, इसमें क्या डेवलपमेंट क्या है? बदरुद्दीन अजमल के साथ आके क्या डेवलपमेंट, आप असम का कौन सा डेवलपमेंट वाली बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, हमारा जो मुद्दा है हम सिर्फ AIUDF का साथ जुड़ा नहीं, हमारा 7 पार्टी का साथ अलायंस हुआ है, और हमारा AIUDF का साथ जुड़ने का बाद और जो जो है हमारा 7 पार्टी CPM CPI हमारा संग्रामी मंच सबका साथ मिलके, और इस बार असम का जनता एकदम परेशान हो गया, बीजेपी से तंग आ गया। चलिए, आपको लग रहा है बढ़ना चाहिए राष्ट्र जिसका इंतजार दर्शक कर रहे हैं, दिल थाम कर रहे हैं, क्योंकि वोट शेयर की बात हमने कर ली, लेकिन सीट शेयर क्या है जरा जल्दी से अगर प्रतीप आप बताएं, उसके बाद हम चर्चा उसी के इर्द गिर्द करेंगे। तो दोस्तों, सबका जिस बात के लिए इंतजार था, सीट की हम बात करें तो सीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो NDA अलायंस जो है, बीजेपी अलायंस मतलब बीजेपी AGP और साथ में UPPL का जो अलायंस है वो मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस कर रहा है। 68 से 78 सीट्स जो है वो NDA अलायंस को आ रही है। तो हमारे 25,000 के सैंपल साइज के ओपिनियन पोल के हिसाब से
कांग्रेस अलायंस का वोट शेयर ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोअर असम में जो सीट्स को जीत रही है, जहां 40% ज्यादा मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, वहां बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत रही है। पर पूरा जो अपर असम का एरिया है, 70% जो चाय टी वर्कर्स है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उनका जो डेवलपमेंट वाली बात है वो अर्बन एरियाज में हिट कर रहा है। तो इसीलिए ये जितना जितना जो पूरा का पूरा वोट शेयर है वो सीट के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। और बीजेपी जो है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो ये इस वक्त का जो सबसे बड़ा 68-78 एनडीए अलायंस, कांग्रेस 58-48 और अदर्स जो है वो नहीं जीत रहे। मतलब अगर सीए एनआरसी हमारे पोल के हिसाब से सीए और एनआरसी का जो मुद्दा है वो है प्रसाद, उसको डेवलपमेंट का जो अर्बन एरियाज के अंदर मुद्दा है वो भी डोमिनेट कर रहा है। तो एक इशू असम को, पूरा असम के चुनाव को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहे जी। इसका मतलब आप दो तीन चीजें कहना चाहते हैं कि सीए और एनआरसी भारतीय जनता पार्टी के काम आ रहा है, हालांकि 10-20 सीटों का नुकसान तब भी है। अगर पिछली बार आप देखें एनडीए को, एनडीए अलायंस को 87 सीटें मिली थी, उस हिसाब से तो 10-20 सीटों का नुकसान है। यह नुकसान किस वजह से है? क्या कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच में अगर मुस्लिम वोट बैंक बटा नहीं है, यही एक वजह है कि सीट शेयर जो है एनडीए का थोड़ा कम हुआ है, यह भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। और क्या सिर्फ सीए और एनआरसी है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बोडोलैंड समझौता भी एक अहम इशू है? चाय बगान वाले भी साथ में चले गए हैं और सीएम सर्बानंद सोनोवाल का जो फेस है वो भी साथ में गया है, और जो नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से असम में काम किया गया खासतौर से ब्रह्मपुत्र कनेक्टिविटी को करके, क्योंकि ब्रह्मपुत्र कनेक्टिविटी जो है प्रदीप, ये भी एक बड़ा इमोशनल और बड़ा सेंटिमेंटल इशू असम के लिए होता है। आपने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक हिट कर दिया है, और बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, क्योंकि एआईयूडीएफ से अलायंस किया था पिछली बार, एआईयूडीएफ का जो वोट था लोअर असम के एरियाज में और बराक वैली के असम में जो माइनॉरिटी और मुस्लिम वोट था वो दोनों में बटा था। अब वो पूरा कंसोलिडेट होके यूपीए अलायंस मतलब कांग्रेस अलायंस को जा रहा है, जिसके कारण उस बीजेपी को नुकसान हो रहा है। पर अगर मैं अपर असम की बात करूंगा तो अपर असम के अंदर वही स्ट्रांग होल्ड बना हुआ है। अगर मैं गुवाहाटी के रीजन के अराउंड बात करूंगा तो हेमंत तो विश्व शर्मा के फैक्टर के कारण पूरा का पूरा वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है। और ट्राइबल एरियाज के अंदर भी कई कई जगह बीजेपी ने बहुत स्मार्टली खेला है, कई कई जगह फ्रेंडली फाइट है। तो यूपीपीएल और बीपीएफ के बीच में ट्राइबल वोट बट रहा है और बंगाली हिंदू वोट एक तरफा जो है बीजेपी को जा रहा है। तो इसके कारण जो बोडोलैंड एरियाज है उसमें ट्राइबल वोट नहीं अदर वोट डिटरमाइन कर रहा है। तो ये आपने जो काम है बिल्कुल इससे सहमत हूं। और ये जो एआईयूडीएफ के साथ अलायंस है उसके 1% ऑफ द कांग्रेस वोट नॉन माइनॉरिटी वोट प्रदीप अभिजीत मजूमदार से मुझे सवाल करना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल काम नहीं आए, अभिजीत मजूमदार जी, बदरुद्दीन अजमल काम नहीं आए, प्रियंका गांधी चाय बगान में घूमी वो काम नहीं आए, असमी टोपी राहुल गांधी ने लगाई वो भी काम नहीं आया, गमछा भी ओढ़ा वो भी काम नहीं आया। मजूमदार जी मिला, और अभी कांग्रेस का जो एजेंडा है, कांग्रेस अभी पांच गारंटी लेके खड़ा है, हम लोग आश्वास नहीं दे रहा है, हम लोग गारंटी दे रहा है। और एक गारंटी वो हमारा असम का जो आम जनता है, असम का जो यूथ है, सबका विश्वास अर्जन किया। आप इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तब देखेगा जे ये रिजल्ट पूरा उल्टा हुआ, कांग्रेस 101 सीट मिलेगा। और कांग्रेस पिछले 15 साल में भी काम किया, और अभी बीजेपी गवर्नमेंट जो जो आश्वासन दिया था, एक सीट तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी नहीं सोची होगी। मेरे साथ बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन काफी प्रखर वक्ता नूपुर शर्मा जुड़ रही हैं। नूपुर जी, कांग्रेस कह रही है कि 100 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी लेके आएगी, पर हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी आपकी सरकार जो है तीसरी बार बन रही है। नूपुर शर्मा को अगर ले आए, नूपुर शर्मा बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन जुड़ रही है हमारे साथ में। नूपुर जी, कांग्रेस कह रही है 100 से ज्यादा सीट लेके आएगी, पर हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है कि तीसरी बार आपकी सरकार बनेगी, क्या कहना चाहती है आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स नूपुर जी? नमस्कार प्रदीप जी, मैं तो कहूंगी कि सपने देखना अच्छी बात है, तो कांग्रेस अगर जीना चाहती है और डिनाइल में जीना चाहती है तो जीती रहे। इनका मैनिफेस्टो जब रिलीज हुआ कांग्रेस पार्टी का, तो उन्होंने पहले ही जो हमारा सिटीजनशिप बिल है सीएए, उसके ऊपर क्या है, इस भली आपको जाता है कि को लेके भी थोड़ी स्पष्टीकरण करेंगे कि क्या उनका कहना है को लेके। चाहे जानते होंगे 2016 के अंदर कुछ न्यायालय के तहत एक सुपरवाइज
फेंसिंग जारी रही है बॉर्डर के ऊपर एंड इलीगल को लेके कितना बड़ा वहां पे मुद्दा उठा हुआ है और ये जो हमारे भारतीय नागरिक है ले ये क्या कर सकते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, जरा स्पष्टीकरण देंगे आपने? जरा संकल्प पत्र तो नहीं कहूंगी, अपने मैनिफेस्टो एंड विशफुल थिंकिंग डॉक्यूमेंट से मुझे बताएंगे। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जहां तक के अभी पांचों राज्यों के चुनाव की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी वापस असम में आएगी, वेस्ट बंगाल भी जीते, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में काफी अच्छा रहेगा और केरला जहाँ पे कहते हैं कि हमारा ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो जब भी रिजल्ट होता है वो इतना बढ़िया नहीं होता। मैं बता दूं कि इस बार केरला प्रदेश के अंदर भी हमारा की अच्छा प्रदर्शन रहेगा। नूपुर जी बिल्कुल आप काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। मैं असम पे जाता हूँ और कांग्रेस पार्टी मैं एक क्योंकि आप अभी बिल्कुल लाइव जुड़ी मैं एक और आपसे रिस्पांस दूंगा फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूँ, विनय सिंह, प्रेम कुमार के पास, विवेक श्रीवास्तव के पास भी आऊंगा, नंबर के रिएक्शन निकले। कांग्रेस नूपुर जी तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्होंने AIUDF के साथ अलायंस डेवलपमेंट के लिए किया है पर वो सीट्स में तो ट्रांसलेट होके नहीं दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, डेवलपमेंट का अलायंस है कि ये इसके पीछे वोट बैंक है? वो नूपुर जी कांग्रेस को क्या कहेंगे अगर नूपुर जी और कांग्रेस पार्टी को हम लोग डबल विंडो पे ले आए तो? ये देखो बहुत ही ऑब्वियस नूपुर जी क्वेश्चन है। असल में आप लगा ली अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति करके आप को सेक्युलर नाम दे देंगे या धर्म निरपेक्ष नाम दे देंगे तो उससे हो नहीं जाता अपनी जी। और बहुत ही दिलचस्प है कि कहीं लेफ्ट के साथ लड़ते हैं तो कहीं लेफ्ट के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति के पीछे ही है। अरे जो पार्टी मेरी बात कर दीजिए, जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बड़े नेता है राम के नाम पे आप वोट मांगते हैं, यहाँ तक कि मैंने तो चंदा जी भी शब्द भी बोल दिया था टेलीविजन पे एक बार। अब ये तुष्टिकरण नूपुर जी तुष्टिकरण की बात मत करिए, वोट का पोलराइजेशन धर्म के आधार पे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और RSS करते हैं, सबसे ज्यादा धर्म की राजनीति तो आप करते हैं और तुष्टिकरण की अब आप बात कर रहे हैं। विवेक जी एक बार नूपुर जी आपका वोट शेयर गिर रहा है कम से कम, अगर मैं इस ओपिनियन पोल को से टोटली सहमत भी नहीं हूं। एक जी नूपुर जी को ये लेफ्ट से नूपुर जी लेफ्ट पार्टी लेफ्ट आप नूपुर जी आप सुनिए आप करती हैं रिलीजियस पोलराइजेशन की बात कर रही हूं। नूपुर जी आपकी आवाज अगर नूपुर जी की आवाज को सही कर सके, उनकी आवाज नहीं आ रही है। नूपुर जी आपकी आवाज एक बार आवाज को जरा जी मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ तो बीच में ये बम चल गई है, विवेक क्यों पूछ रहे हैं? ये क्या हुआ? आपने तुष्टिकरण की बात करी थी तो मैं मिर्ची लगी तुष्टिकरण पे तो आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा आप धर्म की राजनीति करते हैं, पीर दादा हिंदू वोट पोलराइज करते हैं, 14.50% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा है, ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो और इलेक्शन प्लान है जिस पे आप वोट मांगते हैं कि मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू रह नहीं सकता, मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि इस देश के ऊपर मुसलमानों को कब्जा हो जाएगा। ये आपका नैरेटिव है और तुष्टिकरण की आप बात कर एक और वेरिएंट हमारे पास है उसकी बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना। जैसा कि प्रदीप पहले कह रहे थे कुछ सीटें हैं जिस पर निगाहें रहेंगी, सबसे पहले जालूकबरी की बात हम कर रहे हैं, किस पार्टी को बढ़त मिलने वाली है, कौन उम्मीदवार आगे पीछे रहने वाला है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके तमाम जो वो सीटें जो हॉट सीट है उसका नाम आएगा और हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी को मिलने वाली है बढ़त। प्रदीप भंडारी मुझे ऐसा लगता है कि यहां से आपको यह समझाना बहुत जरूरी है कि आखिरकार जो हॉट सीट है हॉट सीट किस तरह से गेम चेंजर साबित हो रही है और क्या वाकई में ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन पूरी तरह से चला है। देखिए मैं पहली बात करें अगर हम लोग दिखाएं सबसे कीनली कंटेस्टेड सीट जालुकबारी की सीट जिसमें बीजेपी से हिमंतो बिश्व शर्मा लड़ रहे हैं। हम जो ओपिनियन पोल हमारा कह रहा है कि विनय जी सिर्फ मार्जिन ही नहीं सिर्फ जीत ही नहीं काफी भारी मात्रा से हिमंतो बिश्व शर्मा जीतने वाले हैं। दूसरी हिमंतो बिश्व शर्मा जीते और सिर्फ उसका इफेक्ट जालुकबारी नहीं पूरे गुवाहाटी में पड़ रहा है, पूरे असम के अपर असम के अंदर पड़ रहा है। तो नूपुर जी किस तरह हिमंतो हमारे पोल के हिसाब से हिमंतो बिश्व शर्मा
ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं, पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं, पूरा अपर असम के जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद अगर मैं दूसरी सीट की बात करूं, हम लोग और सीट्स को दिखा सके स्क्रीन पर, जिसकी काफी लोग कांटे की टक्कर की बात कर रहे हैं, वो सीट्स स्क्रीन पर आने वाली है। पर मैं एक बार मैं नूपुर जी आपके पास आ रहा हूं, मैं अभिजीत जी आपके साथ, विनय जी जालुक बारी, हेमंत बिश्व शर्मा फैक्टर बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा दे रहा है, आपके कमेंट। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा का फैक्टर केवल हमको यही फायदा नहीं दे रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा का फैक्टर तो आसपास के कई राज्यों में भी फायदा देता है, बड़े नेता है, उनका एक अपना क्लाउट है, तो अपनी सीट पर तो निश्चय रूप से होगा। लेकिन मैं एक बात गौर कर रहा हूं कि आपने जो ओपिनियन पोल में जो एक दिखाया है ना अपर और लोअर में, तो दोनों अपर और लोअर मार्क में आप देखेंगे तो 20 सीट का तो सीधे सीधे अंतर है साहब, कांग्रेस प्लस और बीजेपी प्लस में, तो टक्कर कहां है, ये तो साफ सफाई। और दूसरा एक बात समझिए, AIUDF का निश्चित रूप से 10-13% का अपना एक वोट शेयर है उसके आसपास है, और ये सीधा सीधा उतना ही वोट से, इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई केमिस्ट्री नहीं है साहब, कि ये सीधे एड ऑन हुआ है। और जो थोड़ी बहुत, हालांकि मैं सहमत नहीं होता हूं कि 42% आएगा, मुझे लगता है कि उससे 4-5% कम वोट शेयर्स आएंगे उनके, लेकिन खैर जो भी बढ़ा है तो उस कारण से बढ़ा है। और दूसरा एक बात आप समझिए कि एक नया पैटर्न है प्रदीप, कि देश भर में जो कांग्रेस पार्टी है, तमाम ऐसे जो छठे हुए बदमाश पार्टियां हैं, जैसे PFI की पार्टी है, यहाँ पे AIUDF के साथ बदमाश पार्टी क्या होता है, ये छठे हुए जितने बदमाश पार्टी है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जिनका टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट है, तो आप बंद करा दीजिए पार्टी को, ये लोग जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई लड़ रहा है तो पार्टी है, बदमाश पार्टी क्या होती है, आप सबसे बड़े कमलनाथ बदमाश है, और आप सबसे बड़े हिंदुवादी क्या है, हिंदू राष्ट्रवादी, आप सबसे बड़े सबसे बड़े संप्रदाय, और आप दूसरों को बदमाश पार्टी कह रहे हैं, कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बदमाश पार्टी क्या होती है, परिभाषा दीजिए दोनों के गार्जियन के नाम से, बदमाश पार्टी क्या होती है, और सबसे बड़ी बदमाश पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, आरोप लगाए नुपुर जी बदमाश पार्टी भारतीय जनता पार्टी, नुपुर जी विवेक श्रीवास्तव, मैं उनसे रिस्पॉन्स तो ले लू, नुपुर जी विवेक, नुपुर जी बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन, बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन नुपुर जी, ये विवेक श्रीवास्तव जो लेफ्ट से है वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, नुपुर जी ये आपको कह रहे हैं कि आप बदमाश पार्टी है क्योंकि आप जो है वापस से सरकार बना रही, क्या कहना चाहती है विवेक श्रीवास्तव को, आप बहुत इनके साथ डिबेट भी करती है, आप पे आरोप लगा रहे हैं, लेफ्ट से है कांग्रेस अलायंस के पार्ट है ये, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन कांग्रेस को कुछ जानती है, वो सब जानती है ना, सबसे बड़ा मिर्ची अब कांग्रेस के लिए कुछ कहो तो कांग्रेस के प्रवक्ता तो चुप रह जाते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी जो ओमनी प्रेजेंट है, जो आजकल टीवी के योगेंद्र यादव बने हुए हैं, सबसे पहले यही पूछ जाते हैं, मतलब समझ नहीं आता कि कौन से दल में है कौन से में नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी प्रदीप जी कि आप जो कह रहे हैं, मैं विवेक जी को पहले कहूंगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब कि PFI वो है जिसको केरला के उच्च न्यायालय में ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्डिंग को चुप कीजिए, मैं जरा मैं फैक्चुअल स्टेटमेंट बोल रही हूँ, ये पीरजादा जी को चुप किया जाए, पीरजादा श्रीवास्तव, पीरजादा श्रीवास्तव चुप रहिए, आप अम्बेडकर जी की बात मत कीजिए, आपने उनके साथ हाथ मिलाया है जिन्होंने अम्बेडकर जी को संसद के अंदर घुसने नहीं दिया था, कृपया करके इतिहास को मद्देनजर रख के अपनी टिप्पणियां कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, प्रदीप जी मैं अपनी बात सुन लो, इनको चिल्लाने दीजिए, इनको पानी पिलाइए, बहुत बौखला रहे हैं ये, पानी पिलाइए, कम्युनिस्टों की आवाज मैं चाहता हूँ विवेक जी पोल पे बात करी जाए, पोल पे बात कीजिए, नुपुर जी बोलिए, विवेक जी बोलिए, नुपुर जी अगर विकास ऐसे होता है, वो PFI जिसको केरला के हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बाकायदा कोर्ट की बेंच ने माना है कि ये कुछ नहीं है बट बैंक सिमी का रिसरेक्टेड फॉर्म है, मतलब वो वाला संगठन जिस पे रोक लगा दी गई थी उसको दोबारा बनाया गया है PFI का नाम देके, अब आपके चैनल के पास हम एक बार दोबारा लौट करके आते हैं, एक बार इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल में असम के जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं, क्विक रैपअप एक बार कर देता हूं मैं, बीजेपी प्लस 68-78 सीटें, कांग्रेस प्लस 58 सीटें और 58 से लगभग 48-58 सीटें, और अदर्स के खाते में कुछ भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये अभी तक अपडेट है। लेकिन हाँ, अगर असम में राष्ट्रवाद बनाम उदारवाद की लड़ाई है तो फिर बंगाल में क्या होने वाला है, व्हीलचेयर चले गया नहीं, कटपनी चले गया, प्रदीप भंडारी मैं जा रहा हूँ,
मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे जो है इस वक्त आ गया है कुछ मेरी टीम से बात करना है, क्योंकि बंगाल कितने फोन आ रहे हैं, मुझे बंगाल की हर तरफ से बात आ रही है। यहां से विवेक जी मुझसे पूछ रहे बंगाल में क्या होगा, विनय जी मैसेज कर रहे हैं बंगाल में क्या होगा। मैं माफी चाह रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरे को एक ग्लास पानी पीना है क्योंकि इसके बाद बंगाल के नतीजे आने वाले हैं, इसके बाद मेरे ऊपर काफी लोग चढ़ सकते हैं, तो मैं जा रहा हूं। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप इंतजार कीजिएगा क्योंकि इंतजार दर्शकों को भी है। सबसे महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल में क्या रहने वाला है, दर्शकों का मूड हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंटी इनकम्बेंसी कहीं ममता बनर्जी को ले तो नहीं डूबेगी, कटमनी कहीं ममता बनर्जी के लिए नुकसानदेह साबित होगा या फिर नहीं, बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवाद चलेगा या फिर नहीं, हिंदुत्व चलेगा या फिर नहीं, पश्चिम बंगाल का नतीजा, पश्चिम बंगाल का फ्यूचर, वोट परसेंटेज, सब कुछ। छोटा सा ब्रेक, बिल्कुल दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही, छोटा सा ब्रेक।